हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वेब सीरीज स्टॉक्स में वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रॉकिंग डैड। एंड कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि ये कहानी बाप और बेटे के बीच में घूमने वाली है। ऋषि नाम का एक लड़का होता है और उसका एक डैड होता है और उसकी गर्लफ्रेंड इसके इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है। एंड जो ऋषि का डैड होता है वो सबसे पहले घर में लड़कियाँ लिए, मतलब उनका डांस चल रहा होता है, तभी ऋषि घर पर आ जाता है। डगर की डोर बेल बजती है तो वो बाहर गेट खोलने चला जाता है और वो देखता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेके आया होता है। तभी वो खुश हो जाता है, वो उसे हग करने लगता है, बोलता है डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा तभी वो दोनों गर्लफ्रेंड और ऋषि रूम में चले जाते हैं। एंड रूम में जाके वो शर्मिंदगी महसूस करता है, बोलता है सॉरी मेरे डैड के लिए, बहुत ही मतलब ऐसे ऐशी करते रहते हैं, मतलब किसी को नहीं देखते, सबके सामने ऐसे ही चलते रहते हैं। बोलती है ठीक है, उनकी लाइफ में उन्हें इन्जॉय कर दो, चलो हम भी इन्जॉय करते हैं। उसके बाद उनका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो मतलब इतना टाइम नहीं टेक पाता। उसके बाद हमें रात को देखने को मिलेगा, बोलते कैसे चल रहा है तुम लोगों का प्यार, उसका डैड ऋषि से बोलता है। तो बोलती है उसके डैड के सामने उसकी गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाने लग जाती है, वो बोलती है कि ये मतलब रोमांटिक भी नहीं है, इसको कुछ नहीं होता एंड ये काम का नहीं है। एंड तभी हमें अगले दिन देखने को मिलेगा ऋषि का डैड और उसके साथ फिर गर्ल्स के साथ वो इन्जॉय कर रहा होता है। उसके बाद ऋषि की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे कमरे मिलने चाहती, बोलती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। वो उससे झगड़ पड़ता है कि तुम मेरे डैड के सामने मेरी बेइज्जती करती है, अगर मैं इससे कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं, तो मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ। वो उसे चिल्लाता है, उसे झगड़ा करके उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो कि उसका डैड होता है ऋषि का, वो उसके लिए एक डिश बना रहा था, वो उसको रोक लेता है कि तुम अभी यहाँ से मत जाओ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें डिश बनाना सिखाता हूँ। उसके साथ हमें उन दोनों के काफ़ी सीन्स देखने मिलेंगे। तभी ऋषि बोलता है कि आओ तुम्हें मैं घर पे छोड़ देता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। वो ऑफिस के लिए दोनों निकल जाते हैं तो ऋषि बोलता है कि मैं एक ज़रूरी फाइल सेंड करनी तो भूल ही गया। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मैं जाके फाइल घर पर सेंड करती हूँ, तुम ऑफिस जाओ, इससे हम दोनों का टाइम बचेगा। वो घर पर दोबारा आ जाती है, उसका डैड बोलता है कि तुम फिर से आगे, बोलती है मुझे ऋषि का लैपटॉप चाहिए और मुझे उसकी फाइल सेंड करनी है। तभी वो फाइल सेंड करने के बहाने अंदर आ जाता है, वो उसे थोड़ी सी ड्रिंक ऑफर करता है, वो पीने लग जाती है। फिर वो उसे थोड़ा सा बेला फुसला के उसके साथ मतलब उनके हमें सीन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें देखने को ऋषि होता है जो कि अपने डैड को चिल्लाता हुआ आ रहा था, वो हमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर दिया। वो बोलता है कि हमने संडे को प्लान किया था। तभी वो दोनों हंसने लग जाती है क्योंकि ये दोनों का एक प्लान होता है, बल्कि ऋषि की गर्लफ्रेंड को ऋषि उसके डैड को सौंपना ये एक प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि उसका डैड एक ही आश किस्म का होता है। ऋषि को ये सब पता होता है, वही उसको नई नई लड़कियाँ लेके देता। वो बोलता है कि अगली लड़की का ब्लाउज के साथ हमें वेब सीरीज़ का एंडिंग देखने को मिलेगा, आप इसे चौके देख सकते हैं। इसका हमें रॉकिंग डैड इसके सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, आप इसे चौके देख सकते हैं बिग मूवी जू ऐप पर, तो चाहिए और देखिए। एंड और भी इसका पार्ट फिलहाल इसका अभी नहीं आने वाला है, इसके दो ही मतलब पार्ट थे, इसका ये सीज़न ही इसी में ख़त्म हो जाएगा। आप इसे जाके देख सकते हैं बिग मूवीज़ ऐप के प्ले स्टोर पे। और ये पहले बता देता हूँ कि ये पेड है, इस मतलब यूट्यूब का लिंक नहीं है। पहले कई मुझे कमेंट आ जाते हैं कि यूट्यूब का लिंक दे दो, यूट्यूब का लिंक नहीं है भाई, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन लो जो भी आपको करना है, एंड आप वहाँ जाके देखो। थैंक यू।